रायगढ़ उड़ीसा में बिलेसु गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षक श्री द्विती चंद्र साहू ने बिजली और इंटरनेट पर निर्भर हुए बिना आईसीटी इंटीग्रेशन किया, जिसमें एजुकेशन गेम, यूट्यूब चैनल और सॉफ्टवेयर कॉपी पीडीएफ शामिल है। उन्होंने मार्बल्स और फ्लैश कार्ड्स के उपयोग से क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री द्विती चंद्र साहू को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में टीवीएस हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री मुरलीधरन रमिया सेतु रमन ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए ऑडियो वीडियो कक्षाओं और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से इंजीनियरिंग शिक्षा में क्रांति लाए हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मुरलीधरन रमिया सेतु रमन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। रूरल बेंगलुरु के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक श्री अशोक सेन गुप्ता 3 दशकों से कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों को टेक्नोलॉजी सिखाकर सशक्त बनाने के साथ वे छात्रों में बायोडायवर्सिटी व प्रोग्रामिंग की रुचि बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके योगदान व शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री अशोक सेन गुप्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है गुरुग्राम हरियाणा के डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती चारू मैनी, जिन्होंने अपने नेतृत्व में स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इनके निर्देशन में कई नवाचार हुए, जैसे टॉय पेडागोजी, विद्या सृजन और बी फिन स्मार्ट। इन्होंने ज्ञान दर्शन व एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के लिए ई कंटेंट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं पंजाब के सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री राजेंद्र सिंह इंसा। इन्होंने अपने प्रयासों से विद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और आर्ट रूम जैसी सुविधाएं स्थापित की। आज दूर दराज के क्षेत्रों से भी छात्र इस विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इन्होंने 2017 में अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाने की अनूठी पहल की। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है फरीदाबाद हरियाणा का GMSSSNIT3 विद्यालय और ये हैं अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा। इन्होंने विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बातचीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर जोर दिया। अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की और लैंग्वेज लैब के लिए मॉड्यूल्स भी तैयार किए। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में BHSS सौरा में इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षिका डॉक्टर उर्फाना अमीन ने FLN मॉड्यूल, दीक्षा के लिए ई कंटेंट और एडल्ट लिटरेसी सामग्री बनाई। स्टोरी टेलिंग, ट्रेजर हंट और टेक्निकल इंटीग्रेशन जैसे टीचिंग मेथड से छात्रों की रुचि बढ़ाने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। डॉक्टर उर्फाना अमीन को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु के गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षक श्री नारायण स्वामी ने ग्राम शिक्षा समितियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाते हुए स्कूल में ड्रॉपआउट दर को कम करने के सफल प्रयास किए हैं। श्री नारायण स्वामी ने जल संरक्षण, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री नारायण स्वामी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में श्री नारा सिंगा विद्यापीठ के शिक्षक आशीष कुमार रॉय ने स्कूल में ऑर्किड पार्क, औषधीय उद्यान, तितली और पक्षी संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए हैं। उन्होंने रसोई के कचरे से कंपोस्ट, भूजल पुनर्भरण और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जैसी पर्यावरणीय पहल भी की है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री आशीष कुमार रॉय को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोंडिंग में पॉलिटिकल साइंस टीचर सुश्री ज्योति पानका ने एक कदम सुंदरता की ओर और चले गांव की ओर जैसे प्रोजेक्ट चलाकर अपने स्कूल को तो सुंदर बनाया ही है। NSS प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में अपने नॉट मी बट यू बैनर के तहत दूर दराज के कई गांवों में एकता और भाईचारे की भावना को भरपूर बढ़ावा दिया है।
सामुदायिक सेवा के इनके परिश्रमों को सरकार ने सराहा। सुश्री ज्योति पानका को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के नेताजी सुभाष विद्या निकेतन के शिक्षक डॉक्टर नानी गोपाल देवनाथ, इन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जैसे वृक्षारोपण, प्लास्टिक डीकम्पोजिशन के तरीके, जल संरक्षण। ये बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरक तीनों भाषाओं का इस्तेमाल कर छात्रों को पढ़ाते हैं। भाषा समझने और सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है। इनके इन्हीं नवीन प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अमरेली गुजरात में प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक श्री चंद्रेश कुमार भोला शंकर बोरीसागर अपनी बाइक पर बोर्ड लगाकर गाने बजाकर गांव-गांव यात्रा करते हैं, जिससे छात्रों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। अटेंडेंस सुधारने के लिए उन्होंने कक्षा में सेल्फ अटेंडेंस चार्ट और विजुअल अटेंडेंस ट्री का उपयोग किया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री चंद्रेश कुमार बोरीसागर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का अपर प्राइमरी स्कूल और ये है श्री श्याम प्रकाश मौर्य। इन्होंने विद्यालय में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए कई नवाचारी प्रयास किए। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से श्री मौर्य ने विद्यालय में कई अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की। फलस्वरूप इनके छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके यहां कौशल विकास, हाथों से विज्ञान प्रयोग और शारीरिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट हाई स्कूल और ये हैं यहाँ की अध्यापिका श्रीमती सुनीता गोधा। विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता लाने के लिए इन्होंने असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज से कक्षा का वातावरण सकारात्मक एवं मनोहर बनाया। इन्होंने विशेष जरूरत वाले छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों का समर्थन कर नामांकन बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश की है। सरकार ने शिक्षा के प्रति इनकी अदम्य निष्ठा को सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आलप्पुरा में शिक्षक श्री जीनू जॉर्ज ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहन देने वाली एक अनूठी आर्ट गैलरी बनाई। छात्र यहां नेचर पेंटिंग से लेकर मानव शरीर रचना का अध्ययन कर सकते हैं। पेंटिंग में माहिर जीनू जॉर्ज अपनी विशेषज्ञता अन्य स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के साथ भी साझा करते हैं। इनकी रचनात्मक शिक्षा पद्धति को सरकार ने सराहा। श्री जीनू जॉर्ज को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है तानतेनचिन सिक्किम का मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यह है यहाँ की समर्पित शिक्षिका श्रीमती यांकीला लामा। यहाँ के क्लासरूम हैं कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन और डिस्कशन से भरे जॉयफुल स्पेसेस। ये अपने स्कूल में एनसीसी प्रभारी हैं और ये न केवल एनसीसी के विद्यार्थियों को अनुशासन और नेतृत्व की शिक्षा देती हैं, बल्कि उन्हें समुदाय की व्यापक भलाई के लिए सक्षम भी बनाती हैं। इनकी लगन और निष्ठा को सरकार ने सराहा। श्रीमती यांकीला लामा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डिब्रूगढ़ असम के शिक्षक श्री दीपेन खानिकर ने शिक्षा में भावनाओं और परंपराओं का अनूठा समन्वय किया है, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि और भावनात्मक लगाव बढ़ा है। कठपुतली शो और शब्द खेल जैसे इनोवेटिव टेक्निक से रचनात्मकता और भाषा कौशल को प्रोत्साहित करने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री दीपेन खानिकर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार के कैमूर जिले के न्यू प्राइमरी स्कूल तरहानी के शिक्षक श्री सिकेंद्र कुमार सुमन। इन्होंने शिक्षा के तरीकों में कई नवाचार किए, जैसे कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री का विकास। इन्होंने पुस्तकालयों, ई कंटेंट, वीआर बॉक्स और गूगल टूल्स के माध्यम से छात्रों में पढ़ने और लिखने की आदतों को भी विकसित किया। शिक्षा के प्रति इनकी अटूट निष्ठा और योगदान को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। खम्मम तेलंगाना के जिला परिषद हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाने वाले श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी पिछले 28 सालों से नई नई शिक्षण पद्धतियों और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा में ग्रामीण छात्रों की रुचि बढ़ा रहे हैं, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण छात्रों के एम्पावरमेंट में इनके उल्लेखनीय कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
ये है मणिपुर सगोलबंद ऋषिकुल अपर प्राइमरी स्कूल की समर्पित शिक्षिका श्रीमती नंदिता चोंगथाम। इन्होंने शिक्षण में नवाचार और सहयोग को महत्व देते हुए एक टीचर्स वॉलंटियर टीम का गठन किया, जिसमें इनके साथ 16 समान विचारधारा वाले शिक्षक शामिल हुए। इस पहल के पहले चरण में इन्होंने 40 कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री TLMS का विकास किया। इस नवाचारी सोच को सरकार ने सराहा। श्रीमती नंदिता चोंगथाम को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बोकारो झारखंड की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने परंपरा और तकनीक को मिलाकर शिक्षा को अनूठा बनाया है। वो संस्कृत श्लोकों और गीतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं और ICT का उपयोग कर संस्कृत को लोकप्रिय बना रही हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। डॉक्टर आशा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। दमोह मध्य प्रदेश के विज्ञान शिक्षक माधव प्रसाद पटेल ने छात्रों के लिए एक साइंस वॉल बनाई, जहां वे अपनी जिज्ञासाओं को खुलकर प्रदर्शित कर सकते हैं। मोटरसाइकिलों पर किताबें रखकर ग्रामीण घरों तक पहुंचाई और खेत पाठशाला के जरिए शिक्षा को सभी छात्रों तक पहुंचाया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री माधव प्रसाद पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जिला परिषद स्कूल के शिक्षक श्री सुरेश कुनाती ने 2009 में चित्तूर जिले में पहला टेक्नो स्कूल स्थापित करने में और सरकारी स्कूलों में ICT को एकीकृत करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए स्कूलों में नामांकन और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर करने के इनके कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री सुरेश कुनाती को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर में गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स के लेक्चरर श्री HN गिरीश ने खेल और रंगोली जैसे मनोरंजक तरीकों द्वारा बायोलॉजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को रोचक बनाकर छात्रों के लिए सीखने को सुखद बनाया है। सरकारी योजनाओं के बारे में छात्रों को जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री HN गिरीश को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री गंगानगर राजस्थान के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ और इनकी शिक्षण शैली में पर्यावरण जागरूकता तथा हेड हैंड एंड हार्ट अप्रोच शामिल है। इन्होंने रिसाइकल्ड वेस्ट से अंग्रेजी शिक्षण सामग्री बनाई, व्याकरण को समझाने के लिए कई कपड़ों के मॉडल बनाए, वंचित छात्रों के लिए मुफ्त इको फ्रेंडली स्टेशनरी बैंक की स्थापना भी की। इनकी इस सोच को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।